बैक, हम वापस आ गए हैं शॉर्ट सी ब्रेक से और भी लोगों से हमने जो है वो बातें करनी है और लोगों को जो है वो गिफ्ट देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर जिशान। क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ। ओके जी, ठीक हो गया। मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में बस आउटिंग के लिए फ्री होके शाम के। चले सामने देखें, मूवी देखने आए? नहीं, मूवी तो नहीं देखी, सीन नहीं था, वैसे आउटिंग के लिए। खाना खाने? जी खाना वाना। क्या खाया? हमने अभी तक चिप्स की है ऊपर से और कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं सर। डॉक्टर होके दोनों ही अनहेल्दी चीज़ें खाएं? नहीं, ओवर एज जब करनी हो तो फिर प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। वेटिंग करते हैं? नहीं, मैं। क्या खाने में पसंद है? खाने में कोई स्पेशल पसंद नहीं है, बस कोई फ्राइज ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, चलें। ओके जी, सामने देखें। ओके, मुझे बताएं वो क्या, वो कौन सा वर्ड है जिसको हमेशा रॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है? वैसे तो पाकिस्तान में काफ़ी वर्ड्स हैं जो रॉन्ग प्रोनाउंस किए जाते हैं। आपने एक बताना है। काफ़ी हैं, आपको जहन में नहीं आ रहा है। आपने कह दिया काफ़ी हैं तो अब तो आपको बताना पड़ेगा। इस वजह से जहन में नहीं आ रहा बता, सोचे कोई एक। गलत प्रोनाउंस किया जाता है इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है मुझे। क्या सुनाना? सॉन्ग सुनाना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो यूं लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। ये गाना गाने का क्यों सोचा? बस एक तो अच्छा आता था और फिर सुनता भी ज्यादा यही सॉन्ग। क्यों, कोई टेंशन है? नहीं, टेंशन नहीं। सेंटी है ना? नहीं, किसी से एज सच कोई शिकायत, कोई कंप्लेन भी नहीं है। पोएट्री अच्छी है, अपनाइयत का एहसास होता है। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। इनकी एक अच्छी आवाज थी और इन्होंने जो है वो गाना सुनाया जो की अच्छा था, और ये जो गाना है की तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, फिर कहता है परेशान हूँ मैं। जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी हो तो आपको ये गाना नहीं होगा। आप ही मस्ट भी आई थिंक सैड, और वो शायद बताना नहीं चाह रहा होगा, मगर कोई बात होगी उसकी लाइफ में ऐसी, क्योंकि गाना बहुत इमोशनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना फैसल। मोहम्मद फैसल। का नाम? रमीन फैसल। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ जी, मैं पहले में जॉब करता हूँ। बेबी कौन सी क्लास में हो? सिविल की क्लास में। कह रही है? सिविल की क्लास में। जूनियर में। चलो जी, ओके। मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो हर वक्त उड़ती रहती है, उसके पर नहीं है मगर फिर भी वो उड़ती रहती है? नहीं बताएं वो क्या चीज़ है जिसके पर नहीं है वो हर वक्त उड़ती रहती है? नहीं, सॉरी। कोई कोई जवाब नहीं देता, कोशिश करें। हवा में रहती है जो उड़ती रहती है बस। धुआं। क्या सुनाना है? ये ले, चले भी सुनाएं आप। ट्विंकल ट्विंकल। जी जी, चले चले मेरे बेटा, पोइम सुनाएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप्पा बाडा हसवाय, माय गन डायमंड इन द स्काई। गाना सुनाऊंगा।
तू ही ये मुझको बता दे जाऊं मैं या ना, अपना तू दिल का बता दे चाहूं मैं या ना, इतना बता दे मुझको चाहत में मेरी अब तो आने लगा है मजा, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं या ना। सर आपने मैं रेसिपी शेयर मैं चिकन नगेट्स की रेसिपी बताऊंगी। चिकन कीमा लें और उसमें एग डालें और ब्रेड क्रम्स लें और उसको ब्रेड क्रम्स और अंडे में करके बच्चों के लिए एक बेस्ट है चिकन नगेट्स। गुड लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए जी। अब सॉरी, ये बहुत नाइस फैमिली थी, सब ने जो है वो कुछ ना कुछ शेयर किया। उन्होंने जैसे कि रेसिपी बताई वो भी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस अच्छा था, मज़ा आता है। फैमिलीज जो हैं वो अपनी एक डेली की जो रूटीन है उससे हटकर जो है वो फैमिलीज आती हैं बाहर खाना खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए एक्टिविटीज़ आती रहती हैं। अच्छी बात है, इससे उनका माइंड भी फ्रेश रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम रजा। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। बाल इतने स्ट्रेट हैं या करवाए हुए हैं? यही रियल हैं, ये खुद नहीं करवाए? नहीं। का? पक्का? ओके, ठीक हो गया। चलो मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो जितनी मर्जी पैदल चल ले कभी नहीं थकती? कीड़ी। कीड़ी से कभी बात की है? क्या पता थक जाती हो? नहीं, वो थकती। आपको क्या बता, मेक श्योर के 100% वो रियलिटी है, रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ, वो कभी नहीं थकती। जी बिल्कुल, उनका काम ही यही है चलना। कीड़ी नहीं है, कुछ और सोचो। इंसान। आप थकते नहीं हो? थक जाता हूँ। तो सोचो फिर कोई और चीज है जो थकती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं थकती। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है? बंदा तो नहीं, मैंने कहा कि बंदा ही है, कोई चीज है? कोई ऐसी चीज भी नहीं जो भी कोई हार्ट है, है। तो थक जाएगा, पर देखो है कुदरत है। तो क्या सुनाओगे? सॉन्ग सुना। ये पकड़ो माइक के सामने। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंजू रुलदे, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, रांझना ना आया, अखां दा नूर वेख के, अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंजू रुड़ गए। ये लो जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। हमने जो है अब इनसे गाना सुना, आवाज़ को इतनी खास नहीं थी बल्कि ठीक भी नहीं थी मेरे मुताबिक तो वही सी थी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त। बहुत मज़ा आया जी आज आपके साथ। आपके हैं दो सवाल। सबसे पहले, आलू कहाँ पर उगाया गया था? तो मैंने बार बार बोला है कहाँ पे उगाया गया था, इट्स अ कॉमन सेंस, ज़मीन में उगाया गया था, ज़मीन पे उगाया गया था, या ज़मीन में भी होती है पे भी होती है, ठीक है? तो आलू सबसे पहले ज़मीन में उगाया गया था, मिट्टी में। दूसरा आपका सवाल, जो आदमी फ्रांस में पैदा हुआ और इटली में ज़िंदगी गुजारी और अमेरिका में फौत हो गया, लोग उससे क्या कहेंगे? लोग उसको मरहूम कहेंगे। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपना मेरा हम सब का फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। और आज का टैलेंट ऑफ द डे वो लड़का था जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बल्कि दो थे, एक ने सुनाया था वो लग जा गले वाला, और दूसरा लड़की ने, और दूसरा लड़के ने वो जो गाना सुनाया था मेरे मुताबिक वो वाला, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, परेशान हूँ मैं या हैरान हूँ मैं, वो वाला था। तो खैर, ही हैज़ अ नाइस वॉइस, और मैं उम्मीद करूँगी कि आप उसको जो है वो ज़रूर आगे लेके जाएं। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।